हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका द माइटी गर्ल के चैनल पे स्वागत है। इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि थैंक यू सो मच निश्चल के व्लॉग को भी इतना प्यार देने के लिए। आजकल अब ये भी व्लॉगिंग करता है मेरे साथ। तो आपको जिम के कोई भी कंटेंट देखने हो तो आप, मैं नीचे अपने कमेंट में डालूंगी इसका लिंक, आप उस पर जाके चेक कर सकते हो। और बहुत सारे ऐसे बॉयज हैं जो मेरे चैनल को भी फॉलो करते हैं, वो चाहेंगे, उनको पसंद आएगा जिम के थोड़ी चीजें, तो वो देख सकते हैं निश्चल का चैनल। और इसी के साथ आज हम दोनों जा रहे हैं, ये जा रहा है मुझे अपने ऑफिस छोड़ने। मैं थोड़ी लेट हो गई थी, मेरी तबीयत नहीं ठीक लग रही थी, तो हम ऑफिस जाएंगे और ऑफिस खत्म करने के बाद थोड़ी शॉपिंग करेंगे या कुछ भी करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। और उसके बाद इसको कार की कुछ एक्सेसरीज लेना है, शायद आज भी व्लॉगिंग करें, देखते हैं। बहुत मजा आने लगा है। पहले तो मैं ऋषभ को देखती थी कि वो व्लॉगिंग कर रहा है, पर अब हम लोग भी व्लॉग करते तो हम लोगों को भी बहुत मजा आता है और लोगों का प्यार इतना मिलता है कि और मजा आता है। तो यहाँ का वेदर तो बहुत अच्छा है नागपुर का। आप अपने शहर का वेदर भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसा चल रहा है, आपको बारिश पसंद है या ठंडी। गर्मी तो जाने का नाम नहीं ले रही है। ठीक है, नागपुर में तो बहुत बारिश हो रही है, मौसम बहुत अच्छा है। आपके यहाँ क्या वेदर है जरूर बताइए। तो मस्त घूम रहे हैं हम लोग नागपुर में, और ये है मेरे साथ, इसने आज वापस से गाड़ी में कुछ कुछ करा के आया है, अभी व्लॉग बना देगा और डालेगा कि क्रेटा को कैसे बनाए पावरफुल और उसको बनाए सबसे अच्छा। जो स्ट्रीट फूड है ना वो मुझे बहुत पसंद है, और मैं देख रही हूँ पीछे स्ट्रीट फूड है। यहाँ हम लोग आए हैं थोड़ा निश्चल के काम से, वो काम करेंगे और फिर चाय पी के घर जाएंगे। सबसे अच्छी बात ये है कि मेरा गोलगप्पा पार्टनर निश्चल हमेशा रहता है, उसको गोलगप्पे बहुत पसंद है। मुझे बेसिकली, मैं बनारस से हूँ तो आप समझ सकते हो कि बनारसियों को चाट कितना पसंद होगा, तो चाट में गोलगप्पा भी आता है एंड वी लव इट। हम दोनों का है फेवरेट, वो है गोलगप्पे, तो हमने यहाँ आए और गोलगप्पे भी खाए। आज हम जिस काम के लिए नागपुर आए थे वो हमारा काम हो गया, और उसी के साथ हमने इसका फेवरेट गोलगप्पा खा लिया। बहुत मजा आया गोलगप्पा खा के। उसके बाद मैं ऐसे जनरली अकेले कभी गोलगप्पे नहीं खाती, जब तक ये नहीं खाता मैं नहीं खाती, और ये कोई आपके सामने गोलगप्पा खाएगा तो आप कैसे नहीं खाओगे। तो डाइटिंग वाइटिंग को गोली मार के मैंने गोलगप्पे खा लिया। अब हम जा रहे हैं चेकर्स की कॉफी पीने। अगर आप नागपुर में रहते हो तो आप चेकर्स को जरूर जानते हो कि बहुत फेमस है और वहाँ की कॉफी लाजवाब है। सस्ता सुंदर टिकाऊ बहुत अच्छा है, कम रेट में, कम बजट में, अच्छी कॉफी, अच्छा सब कुछ, अच्छा स्नैक्स, बढ़िया। ये तो एडवर्टाइजमेंट लौंडा निकला मेरा, ओह माय गॉड। इसने ही मुझे पहली बार बताया था कि चेकर्स की कॉफी बहुत अच्छी है, और मेरी जब जॉब लगी थी नागपुर में तो मैंने इसको सबसे पहली बार चेकर्स की कोल्ड कॉफी ही पिलाई थी, है कि नहीं। थोड़ा आगे और तुम्हारा सर कट रहा है कैमरे में, पता है तुमको, अभी नए नए व्लॉगर है ना, तो उसके याद नहीं, मतलब कहाँ से आते हैं। कॉफी पीने के बाद याद नहीं है तुमको, तुम ये मेरे जीवन का इतना महत्वपूर्ण दिन कैसे भूल गए तुम यार। दिन याद है, कॉफी याद नहीं। तुम गाड़ी चलाओ यार, तुम गाड़ी चलाओ, तुम चालू करो यार, हो गया अभी। तो हम लोग यहाँ से जाएंगे कॉफी पीने। और आज हम लोग जब निकले थे सुबह तो इसने मुझे ऑफिस छोड़ा, और ऑफिस के बाद एक्चुअली मैंने इसे बोला था कि हम लोगों को लेट हो सकता है, जब ये काम कराने गया था अपना ये कार का, तो कार का काम कराने में 3-3.5 घंटे लग जाते हैं। तो 5 बजे मुझे लेने आया ऑफिस, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए हैं। अब इसको भूख लग गई ऑब्वियसली, क्योंकि खाना खा के तो निकला नहीं था, ब्रेकफास्ट करके निकला था, वो भी डिब्बे में लेके बेसिकली। तो अभी आराम से हम लोग कुछ कॉफी वॉफी पी के फटाफट घर निकलेंगे, क्योंकि खाना बना हुआ है घर पे और एक भी रोटी वेस्ट नहीं होनी चाहिए, तो ये खाएगा खाना। वैसे भी इसका टाइम यही है, ये जिम से आता है 12 बजे, 10 बजे निकल जाता है, 12-12.5 बजे जिम से आता है, वो डिटॉक्स जूस पी के निकल जाता है, उसके बाद आता है। मैं तो इससे ये भी बोलती हूँ कि तुम यार, तुम जिम वाले इतने चीजें डालते हो, तुम ये भी बताओ कि तुम दिन भर कितना अच्छा फॉलो करते हो रूटीन, ये सब ये डालने का नाम नहीं ले रहा है। आप खुद रिक्वेस्ट कीजिए कि ये ऐसा कोई वीडियो डाले, देखो अब लोग रिक्वेस्ट करेंगे कमेंट में, तो तुम डालोगे कि नहीं। जरूर कमेंट में लोगों ने रिक्वेस्ट किया तो जरूर डालूंगा। हाँ, तो ये मस्त, इसका डाइट बहुत अच्छा फॉलो होता है, ये मस्त इंटरमिटेंट फास्टिंग भी करता है। मैं तो मतलब ऑफिस की वजह से नहीं कर पाती हूँ, तो ये सुबह वही एक ग्लास चुकंदर, गाजर, उसमें नींबू रहता है और अदरक, इसका जूस पी के जाता है और पूरा एक्सरसाइज अपना करता है। और जब आता है वहाँ से तो ब्रेकफास्ट लेता है, ब्रेकफास्ट वही हेल्दी हेल्दी चीज़ें रहती हैं ब्रेकफास्ट में। आपने तो अभी तक, अभी मैं मेरा व्लॉग देख ही लिया होगा जिसमें हमने सैटरडे संडे मस्त खाया और बनाया है, तो उसमें कितना प्रोटीन इनटेक, फाइबर का हम लोग ध्यान रखते हैं वो आपको दिख जाएगा। तो वो वैसा ब्रेकफास्ट करता है, एंड देन इसका खाने का टाइम जनरली दोपहर का 4:30-5 या 4 या 5 के बीच में होता है, क्योंकि इसका भी ऑफिस रहता है तो वो उसके हिसाब से ही खा पाता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी इससे कि ये थोड़ा मेहनत करे, सैटरडे संडे इसका ऑफ रहता है, मेरा तो ऑफ भी नहीं रहता, लोगों को तो ऑफ मिलता है,
फिर भी ये मेहनत करने के लिए रेडी नहीं है, तो ये डालेगा तो आप उसको जरूर देखिएगा और उसको भी प्यार दीजिएगा। गॉड, आज मैं अपने बहुत फेवरेट जगह पे आ गई हूँ। मैं रोज इसको देखती थी यार ऑफिस से आते जाते, पर मेरे को टाइम नहीं रहता था, स्कूटी से ले नहीं सकते हम, तो यहाँ पे हम आ गए हैं पौधे लेने, और बहुत अच्छे अच्छे पौधे हैं ये देखिए। करते हैं शॉपिंग, फिर मिलते हैं आपसे। दो वाला ले, ज्यादा सुंदर लग रहा है। एक ही वाला लो, एक वाला लेंगे भैया, देखिए वहाँ पे भी है। रेट सही लगाना भैया, खबर दो। हेलो, नहीं नहीं बर्थडे ये चलिए रख दीजिए, हो तो गया। कैसे ले जाएं? वाव वाव, आज मुझे इतना मजा आया है। मैंने जो शॉपिंग की है वो भी किस चीज की, मैंने पेड़ लिए, मैंने गमले लिए, और मुझे आ गया है मजा, क्योंकि इसके पहले जो मैंने पेड़ एक दो लगाए थे, मैंने उसको रखा था बरामदे में, और इतना धूप था कि दो तीन पेड़ मेरा खराब हो गया, मेरा इतना मूड ऑफ हो गया था। पर पूरे वीक में मैं उसकी तरफ ऐसे देख भी नहीं रही थी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, और जब भी उसकी तरफ देख रही तो गुस्सा आ रहा था। फिर मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, इतना मतलब मुझे बहुत पसंद है पेड़। ऐसे तो मैंने बहुत ज़्यादा पेड़ लगाया नहीं है, क्योंकि यार टाइम भी नहीं मिलता, और उसका थोड़ा देखभाल के लिए टाइम चाहिए अपने को। लोगों को लगता है कि अरे पेड़ पर वो सुंदर दिखना चाहिए, वो उसका पत्ती क्लीन होना चाहिए, सब चीज़ मैंने अपनी मम्मी को इतना करते हुए देखा है, मतलब मैंने किसी को देखा ही नहीं कि वो पेड़ का भी इतना सेवा करता है, मज़ा आ जाता है। हाय गाइस, कल का दिन ख़त्म हो गया है। कल तक अभी तक आपने देखा होगा कि मुझे निश्चल छोड़ने गया था ऑफिस पे, और उसके बाद हम लोग आते वक्त बहुत सारे शॉपिंग भी कर लिए हैं, पौधों के कुछ खा पी लिया है, तो और मेन काम हो चुका है हमारा। तो जो पौधा हम लेके आए हैं वो उसमें से बहुत सारा इंडोर प्लांट था, जो मेरे रूम में लगना था और बाहर गैलरी में लगना था, बहुत सारी जगह पे हम लोगों ने लगाया। कल का दिन भी ख़त्म हो गया, तो मैं एंडिंग नहीं कर पाई हूँ अपने ब्लॉग का, और अभी मैं नई हूँ ब्लॉग में, मुझे समझ में नहीं आता, मैंने क्लिप्स तो ले ली रहती है कि एंडिंग कैसे करना है क्या करना है, पर मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ, और इसके लिए आप मेरे साथ बहुत पेशेंस के साथ बने हुए, थैंक यू सो मच। और आज मैंने एक नया डिश ट्राई किया, एक्चुअली नया नहीं है वो, मैंने बहुत से बार खाया है, बहुत बार खाया है उसको, बचपन से खा रही हूँ। उसका नाम है अमेरिकन चॉपसी, पर मैंने इंडिपेंडेंटली पहली बार अकेले सारा कुछ किया है, तो वो बहुत टेस्टी बना। तो आगे के एक दो मिनट मैंने क्लिप उसका डाल दिया कि आप वो देखो। अगर आपको रेसिपी चाहिए, आप अगर मुझे बोलते हो कि रेसिपी दीजिए, तो मैं ज़रूर दूंगी। जैसे कि मैंने अभी लेटेस्ट पैनकेक का रेसिपी डाला है अपने शॉर्ट्स में, तो आप मुझे इसी तरीके से और बताइए कि मैं कौन से व्लॉग डालूं, किस टाइप से इंगेजमेंट बढ़ाऊं आपके साथ, ताकि आप मेरे साथ बने रहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अभी नेक्स्ट मैं कहाँ जाने वाली हूँ, कहाँ का व्लॉग डालती हूँ, उसके लिए आप ज़रूर वेट कीजिएगा वीकेंड पे, क्योंकि मैं वीकेंड पे ही व्लॉग डाल पाती हूँ, मुझे तभी टाइम मिलता है ऑफिस के बाद। तो थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग मी, बाय। और हाँ, माइटी गर्ल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गाइस, ये मैंने बनाया है अमेरिकन चॉपसी, बहुत लोगों ने फर्स्ट टाइम हो सकता है सुना हो, इसके ऊपर ये ग्रेवी डलती है, देखते हैं ये निश्चल को कितना पसंद आता है। आयुष भी है, हाय गाइस, ये लो आयुष भी ट्राई करेगा, ये है अमेरिकन चॉपसी। क्या भाई, इतने देर से क्या बना रही थी, क्या ये अमेरिकन चॉपसी? बहुत भूख लग रही है,
आयुष भी टेस्ट करेगा, अभी और भी बनाएंगे, पहले खाओ तो तुम लोग। आयुष बाजू में बैठ जाओ, आओ। हटा लूँगा सॉस वगैरह है सब, सब सॉस भी घर पे बनाए, पर तुम खाओ। एक्चुअली एक एक प्रॉब्लम, इसमें नूडल्स एकदम पतला लेके आया है, ये मोटा होना था। सॉस के साथ ही खाना। कैसा है? चलो आयुष भी खाएगा। क्रिस्पी है ना, बहुत मुश्किल से क्रिस्पी हो रहा है इसका। इसका जो नूडल होता है एकदम मोटा मोटा होता है, तो वो नेट जैसा बन जाता है, पर ये फ्लैट हो जा रहा है। पर हम क्या, कोई बात नहीं, फ्लॉप शो नहीं करेंगे, पूरा बनाते हैं। उसमें तुम सॉस और वो भी वेजिटेबल्स खाओगे तो खाओ खाओ, बन रहा है। और नमस्ते रा।